जो कर्मा बाई थी सुबह सुबह 3-3:30 बजे खिचड़ी चढ़ा देती बिना नहाए धोए बिना कुल्ला किए कुल्लाती। ठाकुर जी आने लगे पाले लगे। अब एक दिन 7-8 बजे स्नान करने जा रहे थे तो एक नियम संयम वाले महात्मा मिले। कर्मा भाई आप स्नान करने जा रहे तुम भक्त होकर के? तो उनका महाराज वो सुबह से खिचड़ी बनाते ना। ठाकुर जी इतना बड़ा पाप कर रहे हो अपराध कर रहे हो बिना नहाए धोए ठाकुर को भोग लगाते हो उनको पवा दे तो बड़ा अपराध है। अब उनके संतों पे श्रद्धा थी। अच्छा तो अब वो सुबह शुरू हो गए स्नान और सब करते हुए भोग बनाया बुलाया ठाकुर जी आए। एक कवल लिपाए तले मंदिर का पट खोला तो भागे जगन्नाथ जी। वहां खिचड़ी मुख में लगी थी वैसे तो वहां सेवकों ने कहा जय जय अभी तो भोग भी नहीं पद रहा है आप कहां से खिचड़ी लगाए। अरे बोले एक महात्मा है ना बड़ी पंडिताई छाट दिया कर्मा बाई से अब वो हमें प्यार से तड़के पवाती थी अब उनका भोग लेट विलंब से लगा इसीलिए ऐसा। तो हाँ उनका आदेश कर दो जाके कर्मा बाई को कि तुम जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ ये सब सिद्धांत दूसरों के लिए प्रेमियों के लिए ले। भगवान ने स्वयं कहा।